नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ बहुत ही मजेदार सवाल। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने और कब की थी? इसका सही जवाब है ज्योतिबा फूले ने 1884 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, स्टील या लोहे पर जिंक का आलेप चढ़ाना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, जल की अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है जल की कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, बाण भट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? इसका सही जवाब है हर्षवर्धन के। पांचवा प्रश्न है, जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? इसका सही जवाब है फ्रांस में। छठा प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है वर्ष 1917 में। सातवां प्रश्न है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है बेनिटो मुसोलिनी को। आठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 21 फरवरी को। नवा प्रश्न है, एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड का आमतौर पर सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? इसका सही जवाब है स्पेस बार का। दसवा प्रश्न है, किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? इसका सही जवाब है मादा हाथी के दूध से। दोस्तों, मादा हाथी के दूध में अल्कोहल पाया जाता है, अतः मादा हाथी का दूध पीने से नशा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह सवाल जवाब कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।